पहली है खून को पतला करने का तरीका बता दे। मेरे मोहतरम भाइयों सबसे पहले ये जानो खून गाढ़ा क्यों होता है। खून गाढ़ा क्यों होता है? सबसे ज्यादा खून गाढ़ा होता है गुस्से की वजह से, गुस्से की वजह से, गुस्से की वजह से। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। और दूसरी बात, खून गाढ़ा होता है मेरे मोहतरम भाइयों जब आप कुकिंग ऑयल वो इस्तेमाल करते हो जो जमते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो। और खून को पतला करने का बेहतरीन इलाज मेरे मोहतरम भाइयों अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना इसकी चटनी बनाओ। अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना मेरे मोहतरम भाइयों दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज जो खून को पतला करती है वो अदरक है। और जितनी लोग आज ब्लड प्रेशर को की दवाई खाते हैं ना, खून को पतला करने के लिए लोग ड्रिंक खाते हैं, मेरे मोहतरम भाइयों ये लहसुन से बनती है, ये लहसुन से बनती है। अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना बराबर मिदार में लो और हस्पे जायका उसमें सब्ज मिर्च मिलाओ और ये चटनी सुबह भी दोपहर भी मेरे मोहतरम भाइयों खाने के साथ खाओ। और हर खाने के साथ कम से कम डेढ़ पाव सलाद लाजमी खाओ। इंशाअल्लाह रहमान आपका खून पतला हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुभान व तआला ने 100% कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।